हेलो गाइस, मेरा नाम आतिफ अहमद है। मैं टोनेडो स्पोर्ट्स कंपनी के लिए बैट बनाता हूँ। आज आपके लिए एक बैट लेकर आए हैं, टोनेडो का मार्खोर। ये एक क्लाइंट की प्रेफरेंस आई थी, उन्होंने 10 बैट बनवाए थे तो हमने थोड़े से ज़्यादा बैट्स बनवाए थे, उनमें से एक पीस ये है। ये ग्रेड 3 इंग्लिश विलो बैट है और ब्लीच हुआ हुआ है क्योंकि 2 टोन में था। मगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको सिंगल कलर में चाहिए, तो इसके ऊपर ब्लीचिंग की हुई है, जिससे बैट की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि लुक थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और सम पीपल प्रेफर दैट। दूसरा इसके अंदर मैं बताता हूँ आपका कि हैंडल शॉर्ट हैंडल बैट है, सेमी ओवल है। स्लाइट इसके अंदर जो इसकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी कम है और जो टॉप टू बॉटम है ये थोड़ा सा कर्वी फील करता है। बहुत अच्छी इसकी वजह से ग्रिप आती है, ना राउंड है ना ओवल है, तो इट्स सेमी ओवल। दूसरा, प्रोफाइल इसकी बड़ी स्टैंडर्ड है। सबसे जो थिक पार्ट है बॉटम इसका, आप नोट करें अगर फुल स्पाइन है, स्पाइन नीचे तक आ रही है, यहाँ से फ्लैट नहीं है। टो गार्ड लगा हुआ है इसके अंदर। बॉटम स्लाइट कर्व्ड है, हल्का सा इसके अंदर कर्व है, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है और स्ट्रेट भी नहीं है। राउंड होने से फ़ायदा ये होता है कि हल्का सा राउंड दिया जाए तो बैट की एजेस जो हैं वो टूटने का डर थोड़ा कम होता है। स्ट्रेट जो एज होती है उसके जो एजेस हैं, कॉर्नर्स जो हैं, ये वाला ये टूटने का ज़्यादा डर होता है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ इसके अंदर बैट के अंदर स्लाइट कॉन्केविंग है। अगर आप नोट करें बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लाइट सिर्फ कॉन्केविंग की है ताकि वेट थोड़ा सा इसका कम किया जा सके। शेप जहाँ से देखें स्लाइट इसके अंदर कर्व है, हल्का सा कर्व है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट इंग्लिश बैट्स की तरह बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, बट देयर इज अ स्लाइट कर्व। ओवरऑल बैट की फील बहुत अच्छी है। इसका वेट जो है वो है 2 pounds 9.5 ounces। इसका जो टोटल लेंथ है यहाँ तक पूरा 33 इंचेस है। ब्लेड जो है इसका, एजेस जो हैं वो 36 mm की एजेस है और स्पाइन की तरफ से जो सबसे थिकेस्ट पार्ट है वो 55 mm का है। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत बैट है, बड़ा साफ सुथरा। और अब मैं इसका आपको थोड़ा सा पिंग इसका दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि बैट की किस तरह की पंच कैसा है। ऐसे ही आ जाए, एक्सेलेंट। पिंग आपने देखा, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, पिंग भी बहुत अच्छा है, हल्की सी लचक भी है बैट के अंदर। ओवरऑल आई वुड रेट दिस बैट वेरी हाईली, बहुत बहुत अच्छा बैट है। उम्मीद है आपको ये हमारा TSC का मार्खोर बहुत पसंद आया होगा। वेट कीजिए, बहुत जल्द आपको और वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।